दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये वीडियो किसके लिए है, तो दोस्तों ये वीडियो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और सेमी इंग्लिश के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एग्जाम्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम का आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 3 है, देन सेक्शन नंबर 4 है। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन किस तरह से डिवाइड है, सेक्शन नंबर 1 में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे ग्रामर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो लैंग्वेज स्टडी लिखा है मतलब वहां पे छोटे छोटे बहुत ही इजी ग्रामर्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। देन वहां पे अगर आप जाओगे सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में तो यहाँ पे आपको टेक्सुअल पैसेज मिलेगा, जो आपके बुक के जो पैसेज होते हैं वो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रहेंगे। देन यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 में जाओगे तो यहाँ पे आपको पॉटरी का है, इसी में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एप्रिसिएशन। एंड देन सेक्शन नंबर 4 पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज मिलेगा, मतलब ये पैसेज आपके बुक में होगा क्या? नहीं होगा। देन यहाँ पे आपको समरी राइटिंग करना है, समरी राइटिंग आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज पे करना है, वो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि समरी राइटिंग कैसे करना है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप सेक्शन नंबर 5 पे जाओगे तो ये राइटिंग स्किल का पार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो लेटर राइटिंग है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देन यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीच राइटिंग और डायलॉग राइटिंग दोनों दिखाई दे रहा होगा। देन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाई दे रहा है, और उसमें नॉन वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल। देन एक्सपांशन थीम या तो न्यूज रिपोर्ट यहाँ पे जो यहाँ पे या तो इसी के साथ आपको मिलेगा डेवलपिंग अ स्टोरी, तो यहाँ पे। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ट्रांसलेशन, तो आपके लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। ट्रांसलेशन मतलब कि आपको दिया होगा उसे आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह इसके पूरे के पूरे 5 मार्क्स है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया है, सबसे पहले इस पेपर पैटर्न को आपके दिमाग में बिठा लो, देन उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा आइडिया होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद।